Hi guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is me Zainab Akbar Ali Rajab and he is Asad Ali, यानी कि मेरे भाई. तो welcome back a new vlog. आज vlog इस जगह से start करने का एक reason है कि असद भाई जो है वो मुझसे facial करवाने आए हैं, यानी कि अपनी grooming जो है वो मुझसे करवाने आए हैं. वो शख्स जिसका अपना सैलून है वो सैलून से नहीं करवा रहे और मुझसे आके ग्रूमिंग करवा रहे हैं. देख लें कितना कमाल है मेरे हाथ में. नहीं इसलिए मेरे पास ग्रूमिंग करवाने हैं. असद भाई के साथ साथ ग्रूमिंग करेंगे. इन्होंने ग्रूमिंग करवाने से पहले मुझे कहा है कि मेरा फेशियल कर दो, मुझे कहीं जाना है, ज़रूरी जाना है, वो अच्छे से कर दो. बहुत सी इन्होंने पहले एक ना एक स्पीच से दी है. इनसे पूछेंगे कि कहाँ जाना है. इतनी तैयारी किस खुशी में हो रही है. आप भी मेरे साथ रहिए, इनसे पूछेंगे और साथ साथ इनका काम भी करेंगे. आप भी देखते रहिए कि मुझे भी काम आता है. सिर्फ असद भाई का सैलून नहीं है, अगर ये सैलून के जो बार्बर हैं वो मुझसे काम करवाए तो मैं तो एक्सपर्ट हुई ना, है ना. चल झूठा. असद भाई का फेशियल करना स्टार्ट करते हैं. ये हमने नया फेशियल ओपन किया है और आज असद भाई पर इसकी इफ्तिताह करने वाली है, यानी कि इनॉग्रेशन जो है वो असद भाई करेंगे. बरकत डल जाएगी मुझे लगता है. यार ये कितनी ऑसम है. तो इसकी ओपनिंग के लिए यही यहाँ से इसकी सील निकाल देते हैं. ये सील मुझसे निकल जाए. हाँ जी निकल गई मुझसे. आई एम वेरी स्मार्ट. तो ये इसके सील निकाल दिया मैंने. सबसे पहले इनके लगाने लगी हूँ मसाज क्रीम में और इसकी मसाज करूँगी. असद भाई बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगवाते, बस उनको थोड़ी सी अपनी ना ग्रूमिंग करवानी होती, थोड़ी सी मेंटेनेंस करवानी होती. बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर जो फेशियल होता है वो नहीं करवाते, लेकिन फिर भी जो करवाते हैं वो तो कर देते हैं ना. चलिए अब इनकी मसाज क्रीम अप्लाई करते हैं. नाखून तो नहीं है तेरे? जी तो गाइस अब जो है मसाज क्रीम मैंने लगा रही है. इसके ऊपर ये स्पेशल स्प्रे है, इसको स्प्रे करेंगे. तो ये भी इनॉग्रेशन असद भाई पे कर रहे हैं. हम ये देखिए इसको स्प्रे करते हैं. इसके ऊपर वाटर जो है मैं वो यूज नहीं कर रही, स्प्रे यूज कर रही हूँ. तो वाटर भी यूज कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो है वो असद भाई की जो है मसाज क्रीम मैंने काफ़ी देर से मसाज कर दी है. अब इनकी क्लीन कर दी है और साथ में इनसे पूछते हैं कि जाना कहाँ है इन्होंने जो इतनी रात को मुझसे ये फेशियल करवा रहे हैं. इतनी मेंटेनेंस हो रही है, किस चक्कर में हो रही है, कहाँ जाना है बता दें अब. सरप्राइज सरप्राइज. अब इतनी देर हो गई, अभी सरप्राइज रिवील कर दे. बताऊंगा मैं आपको, एंड पे बताऊंगा. तो रुको जरा, सब्र करो. मुझे नहीं बता रहे, मैं पीछे बाद में पूछ रही थी कि जाना कहाँ है. ऐसी क्या बात है जो अर्जेंट में इतनी इमरजेंसी में फेशियल ही करवाना पड़ गया आपको. तो नहीं बता रहे, कह रही एंड पे बताऊंगा. तो चलिए एंड का वेट करते हैं. मैं ये क्लीन करती हूँ और फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो फॉलो करते हैं. नेक्स्ट स्टेप हम अपना फॉलो करने लगे हैं, विच इज वाइटनिंग स्क्रब. ये भी इन पर ही इनॉग्रेशन यानी कि ओपनिंग कर रहे हैं असद भाई पे, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं. वाइटनिंग स्क्रब अब मैं कर रही हूँ. पहले मैंने मसाज क्रीम अप्लाई की थी, अब वाइटनिंग स्क्रब अप्लाई कर रही हूँ. तो कंपनी का नाम मैं इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि ना तो कोई मैं ब्रांडिंग कर रही हूँ, ना ही स्पॉन्सर्ड वीडियो है, इसीलिए कंपनी का नाम मैंने नहीं बताया. तो अब स्क्रब जो है वो मैंने ओपन कर लिया है. अब स्क्रब अप्लाई करते हैं असद भाई के फेस पे और इसका करते हैं मसाज. और फिर इनसे दोबारा पूछने की कोशिश करते हैं कि जाना कहाँ है जो इतनी इमरजेंसी में फिशल हो रहा है पूरा. जी तो मैंने जो है स्क्रब अप्लाई कर लिया है. ये अब इस पर दोबारा स्प्रे करेंगे. ये रोज वाटर और मिंट वाटर. और इसमें और क्या क्या है ये सब एक पता है. इसमें दो चार चीज़ें ऐड है. ये एक मिस्ट है, फेस मिस्ट. तो ये स्प्रे करेंगे. ये मैं ब्रांड नहीं बता रही क्योंकि कोई ब्रांडिंग या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. अब मैं स्प्रे करने लगी हूँ बता कर. तो थोड़ा सा ये स्प्रे करेंगे और फिर स्क्रबिंग स्टार्ट कर देंगे. मैनू प्यार है ना, मस्त प्लान.
अब स्क्रबिंग स्टार्ट करते हैं ऐसे भाई के फेस पे। हो सकता है आपको लगे कि मैं कैसे स्क्रब कर रही हूँ, मैं कैसे क्लींजिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं लेडीज हूँ और वो जेंट्स है। लेडीज और जेंट्स के हाथ में डिफरेंट डिफरेंस होता है थोड़ा सा। जस्ट वॉश इट ऑफ, जस्ट क्लीन इट। लास्ट स्टेप जो है हम अपना फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगाना जो होता है, मुल्तानी मिट्टी का पैक जो एज यूजुअल बहुत फेमस है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा घरेलू भी हो जाता है और अच्छा भी होता है। ये टोमेटो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो टोमेटो जो है वो हम इनकी आइज़ पे रखेंगे। मोस्टली यूज जो लोग हैं वो कुकम्बर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं टोमेटो प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें जो चमत्कार होता है। तो पहले फेस पैक जो असद भाई के अप्लाई करते हैं, साथ में पूछ लेते हैं जाना कहाँ है वो तो बता दो, ट्रेंड हो गया सब फिशर। कहाँ जाना है? मैंने अपनी जीएफ को मिलने जाना है सुबह। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत मुझसे करवाई और मुझे इतनी जल्दी डाली आती, फटाफट मेरा फिशर कर दो, जल्दी से फिशर कर दो, ये कर दो। मैं कह रही हूँ पता नहीं कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या है, कोई प्लान है क्या। मेरे लिए इससे स्पेशल तो कुछ भी नहीं है। वाह क्या सीन है। ठीक है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और जी ये तो मैं तबाही कर दो, फना कर दो, हर चीज कर। मैं कहना भूल गई थी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अच्छा सा कमेंट और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए मैं फेस पैक अप्लाई करती हूँ और टोमेटोज भी अप्लाई करती हूँ। जी तो गाइस एंडिंग जो होगी हमारे फेशियल की कंप्लीट होगी, यानी कैंड कर दिया हमने, पैक लगा दिया और ये टोमेटो स्लाइसेस भी रख दिए हैं। अब जो है वॉश वो खुद ही कर लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, खुद ही उठेंगे और वॉश करके आएंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो व्लॉग एंड करने से पहले आपको पता तो लग गया होगा कि भाई ने जाना है अपनी जीएफ को मिलने, इतना इंपॉर्टेंट काम है उनको, तो इसीलिए वो इतनी तैयारी कर रहे हैं, फुल तैयारी, फुल माहौल उन्होंने बनाया मुझे, फुल यानी कि ना पहले आके अपने डाली या फिर टफड़ी के बीच में वो अपनी स्ट्रीक्स बना रहे हैं। देखें जरा मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और वो अपनी स्ट्रीक्स बना रहे हैं। स्नैपचैट की स्ट्रीक्स जरूरी है इनकी, मेरा व्लॉग नहीं जरूरी है आपके लिए। तो अब व्लॉग एंड करने से पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।